स्टूडेंट वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टैंडर्ड फोर्थ में हिंदी में 20वां पाठ पानी के बारे में कुछ समझाऊंगी। पानी हमारी बहुत आवश्यक चीज है। पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पानी 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 न हो तो हम प्यास से मर जाएं। आपको पता है आप प्यास के बिना कभी रह सकते हो? पानी हमें चाहिए ही चाहिए। पानी के लिए पानी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है? पीने के लिए पानी चाहिए। तो पानी हमें पीने के लिए चाहिए। खाना पकाने के लिए भी पानी चाहिए। खाना पानी के बिना कभी पक सकता है? तो नहीं पक सकता। इसलिए खाना पकाने के लिए भी पानी चाहिए। नहाने के लिए पानी चाहिए। हम पानी के बिना कभी नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते। इसलिए हमें नहाने के लिए भी पानी चाहिए। कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए। पानी कितनी आवश्यक चीज है। हर काम में, हर भी कोई भी वस्तु हो, उसमें पानी चाहिए ही चाहिए। कपड़े धोने में भी पानी चाहिए। हम पानी के बिना कपड़े भी नहीं धो सकते। बर्तन भी हम पानी के बिना साफ नहीं कर सकते। घर आंगन की सफाई के लिए भी पानी चाहिए। पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए। पौधों को सींचने यानी पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी चाहिए। पौधे वृक्ष कभी पानी के बिना बड़े हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। सचमुच पानी अनमोल है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। हम पानी के बिना रह नहीं सकते। पानी बहुत अनमोल चीज है। इसीलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी पानी बर्बाद करना नहीं चाहिए। सेव वाटर। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जो हम देखेंगे। प्यास यानी थर्स्ट, बर्तन यानी वेसल, पौधा यानी प्लांट, सचमुच यानी रियली, बर्बाद